हेलो बच्चों, आज हम बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण लेते हैं। समरकंद पर उज़्बेक नेता उबैदुल्ला खान का अधिकार हो जाने के बाद बाबर 1511 ईस्वी तक काबुल में शांतिपूर्वक शासन करता रहा। लेकिन 1513 ईस्वी के पद्धति मंगोलों व अफगानों से व्यूह रचना, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग और अपने सजातीय तुर्कों से अश्वारोही सेना का संचालन सीख लिया था। इस प्रकार बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पूर्व अपनी युद्ध कला को अत्यंत विकसित कर लिया था। भारत पर बाबर के आक्रमण के अनेक कारण थे। सर्वप्रथम तो स्वयं बाबर अत्यंत ही महत्वाकांक्षी था और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, इसलिए काबुल जैसे छोटे से प्रदेश से वह संतुष्ट नहीं रह सकता था। दूसरा, बाबर भारत पर अपना पैतृक अधिकार मानता था, क्योंकि तैमूर ने पश्चिमी पंजाब पर अधिकार किया था तथा उसके प्रतिनिधि खिज्र खान ने दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लिया था। अतः बाबर अपने पूर्वजों के राज्य को पुनः हस्तगत करना चाहता था। तीसरा, उस समय भारत की तत्कालीन राजनीति भी बाबर के अनुकूल थी। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी वहां का स्वतंत्र शासक बनना चाहता था, अतः उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को भारत आने का निमंत्रण दे दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बाबर को दिल्ली दरबार के षड्यंत्रों की जानकारी मिल गई। अंत में वह भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था और इन सभी कारणों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। प्रथम आक्रमण, बाबर ने भारत पर पहला अभियान 1519 ईस्वी में किया था और बाबर ने बाजौर पर आक्रमण कर दुर्ग को घेर लिया। दुर्ग रक्षकों ने बड़ी वीरता से सामना किया, लेकिन वे बंदूकों के सामने नहीं टिक सके। अतः कुछ ही घंटों में 7 जनवरी 1519 ईस्वी को बाबर ने बाजौर का किला जीत लिया। बाजौर के निवासियों ने प्रतिरोध किया था, तो बाबर ने लगभग 3,000 लोगों की हत्या करवा दी तथा स्त्रियों व बच्चों को कैद कर लिया। अपने इस कार्य का औचित्य सिद्ध करते हुए बाबर ने लिखा है कि वे इस्लाम के शत्रु थे तथा उनका काफिरों की प्रथाएं प्रचलित थी। उनमें बाजौर पर अधिकार करने के बाद फरवरी 1519 ईस्वी में वह झेलम नदी के तट पर स्थित भीरा नामक स्थान पर पहुंचा। भीरा निवासियों ने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। अतः बाबर ने अपने सैनिकों को वहां लूटमार न करने की आज्ञा दी। भीरा से बाबर ने सैनिक बताता है सॉरी भीरा से बाबर ने मुल्ला मुर्शिद नामक अपने दूत को इब्राहिम लोदी के पास भेजकर उन सभी प्रदेशों की मांग की जो कभी तुर्कों के अधीन रह चुके थे। लेकिन दौलत खान लोदी ने मुल्ला मुर्शिद को लाहौर में ही रोक लिया और उसे इब्राहिम लोदी के पास जाने की अनुमति नहीं दी। अतः लगभग 5 महीने पश्चात मुल्ला मुर्शिद वापस काबुल लौट गया। कुछ दिन भीरा में रहने के बाद बाबर भी काबुल लौट गया था और भीरा हिंदू बेग को सौंपकर शाह मोहम्मद को उसकी सहायता के लिए नियुक्त कर दिया। भीरा से सिंधु तक का प्रदेश मोहम्मद अली जंग को तथा खुशाब लंगर खान को दे दिया गया। दूसरा आक्रमण, बाबर ने जो ही अपनी पीठ फेरी, स्थानीय अफगानों व हिंदुओं ने मिलकर हिंदू बेग को भीरा से खदेड़ दिया। हिंदू बेग जान बचा कर काबुल पहुंचा। अतः 1519 ईस्वी के अंत में बाबर ने दूसरी बार यूसुफ जही अफगानों के विरुद्ध अभियान किया, लेकिन पेशावर पहुंचने के पहले ही उसे सूचना मिली कि सुल्तान सैद खान बख्तक्शाह की ओर बढ़ रहा है। अतः बाबर को वापस काबुल लौटना पड़ा। बाबर के उपयुक्त दोनों आक्रमण का उद्देश्य भारत की राजनीति की जानकारी प्राप्त करना था। तीसरा आक्रमण, बाबर ने तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किया और बाबर बाजौर भीरा होता हुआ सियालकोट तक जा पहुंचा। भीरा में उसने उन लोगों को दंडित किया जिन्होंने विद्रोह किया था। सियालकोट के पास सैदपुर के पठान शासक और वहां के निवासियों ने बाबर का मुकाबला किया था, किंतु उन्हें कुचल दिया गया। सैदपुर में बाबर के सैनिकों ने भयंकर लूटमार की। इसी समय उसे सूचना मिली कि कंधार के शासक शाह अरगुन ने काबुल की सीमा पर आक्रमण कर दिया है। अतः बाबर को तुरंत काबुल की ओर लौटना पड़ा। अतः बाबर भारत पर कोई सैनिक अभियान अतः 1522 ईस्वी में उसने कंधार पर अधिकार कर लिया तथा अपने दूसरे पुत्र कामरान को वहां का सूबेदार बना दिया। चौथा आक्रमण,
कंधार पर अधिकार हो जाने के बाद बाबर अपने आप को सुरक्षित अनुभव करने लगा और अब उसके लिए भारत की ओर अधिक ध्यान देना संभव हो गया। इसी समय सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने बाबर से प्रार्थना की कि दिल्ली का तख्त दिलाने हेतु वह उसकी सहायता करे। इधर पंजाब के सूबेदार ने भी इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर से सहायता मांगी। अतः बाबर ने जनवरी 1524 ईस्वी में चौथी बार भारत पर आक्रमण किया। लाहौर में सुल्तान की अफगान सेनाओं ने बाबर का मुकाबला किया लेकिन पराजित हुई। चार दिन बाद बाबर दीपालपुर पहुंचा जहां दौलत खान ने बाबर से भेंट की। दौलत खान का अनुमान था कि तैमूर की भांति बाबर भी लूटमार करके लौट जाएगा, लेकिन इसका अनुमान गलत सिद्ध हुआ क्योंकि किसी प्रदेश पर एक बार अधिकार करने के बाद उसे छोड़ देना बाबर के स्वभाव में नहीं था। अतः बाबर के इरादे से दौलत खान बड़ा क्षुब्ध हुआ और उसने बाबर के साथ विश्वासघात करना चाहा, लेकिन बाबर ने उसे कैद कर काबुल लौटते हुए मार्ग में छोड़ दिया। बाबर ने उसकी पैतृक जागीर दिलाकर दिलावर खान को दे दी और पंजाब के जीते हुए प्रदेशों में अपने अधिकारी नियुक्त कर स्वयं काबुल लौट गया। इस बार बाबर के पुनः काबुल लौटने के प्रमुख तीन कारण थे। प्रथम तो बाबर जिन अमीरों के निमंत्रण पर भारत आया था उन्हीं अमीरों ने बाबर का विरोध किया था। दूसरा, इब्राहिम लोदी को इतना कमजोर नहीं पाया जितना कि उसे आशा कर रखी थी। तीसरा और अंतिम कारण, इस समय बल्ख में उज़्बेकों का उपद्रव बढ़ रहा था और जिससे उसे वापस काबुल लौटना पड़ा। बाबर के काबुल लौटते ही दौलत खान ने सेना एकत्र कर सुल्तानपुर पर अधिकार कर लिया तथा दीपालपुर से आलम खान को भगा दिया। आलम खान भागकर काबुल पहुंचा बाबर के साथ एक संधि की जिसके अनुसार बाबर ने उसे दिल्ली का तख्त दिलाने का वादा किया। इसके बदले में आलम खान ने बाबर को लाहौर और उसके पश्चिम के प्रदेश सौंपने का आश्वासन दिया, लेकिन वापस लौटकर आलम खान ने संधि की उपेक्षा करते हुए पंजाब दौलत खान के पास रहने दिया और दोनों ने मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, लेकिन दोनों सुल्तान की सेना से पराजित हुए। पांचवा आक्रमण, दौलत खान के विद्रोह की सूचना मिलने पर बाबर ने दिसंबर 1525 ईस्वी में पांचवी बार भारत पर आक्रमण किया। सियालकोट पहुंचने पर बाबर को दौलत खान और आलम खान के बीच हुई संधि तथा दोनों के दिल्ली पर असफल अभियान की सूचना मिली। 15 जनवरी 1526 ईस्वी को बाबर ने मिलवट का किला घेर लिया। दौलत खान किले में था लेकिन उसका पुत्र गाजी खान भागकर इब्राहिम लोदी के पास चला गया। उसके दूसरे पुत्र दिलावर खान ने आरंभ से ही बाबर का साथ दिया था। दौलत खान ने बाबर का प्रतिरोध करना उचित न समझ आत्मसमर्पण कर दिया। बाबर की इस सफलता से प्रोत्साहित होकर इब्राहिम लोदी के असंतुष्ट अमीरों ने बाबर के प्रति अपनी शुभकामनाएं